के दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की याचिका खारिज कर दी है। 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की याचिका खारिज कर दी है। 20 मार्च की सुबह 5:30 पर, यानी जो तारीख थी ये चौथी तारीख है, डेथ वारंट है वही है। 20 मार्च सुबह 5:30 यानी तय समय अनुसार ही फांसी की सजा चारों को दी जाएगी। मुकेश ने एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, बहरहाल इस याचिका पर सुनवाई तो हुई लेकिन खारिज कर दिया इसे सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि याचिका में दम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की याचिका खारिज कर दी। अब तय समय पर यानी 20 मार्च की सुबह 5:30 पर इन चारों को फांसी दी जाएगी। निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता एकदम साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की याचिका सीधे खारिज कर दी है। 20 मार्च की सुबह 5:30 पर फांसी दी जाएगी। देखिए मैडम, थोड़ा आगे आइए। देखिए मैंने शुरू से ही 7 साल से ही कानून को मैंने फॉलो करते आए हैं और मुझे तब भी विश्वास था, आज भी विश्वास है और आगे भी विश्वास है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और 20 मार्च को ही मिलेगा। ये जो याचिका आई थी इसका कोई मायने मतलब नहीं था, क्योंकि पहला डेट वारंट जारी हुआ था तभी ये आए थे। हम लोग, हमारे दोनों वकील हमारे साथ खड़े हैं, हम दोनों वकील पटियाला कोर्ट हाउस में 1 साल से लड़ रहे हैं। इनको बार बार नोटिस हुई लेकिन ये कभी अपेयर नहीं हुए। जब पहला डेट वारंट जारी होने को हुआ उस दिन मुकेश की माँ को लेके आए और बोले कि मैं मुकेश का वकील हूँ, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो चल रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें मुकेश ने बोला कि मैं इनको वकील नहीं रखूंगा, मैं बिंदा जी को वकील रखूंगा। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।